दोस्तों नमस्कार, मैं हूं परमात्मा देव और आप देख रहे हैं ग्रेट इंडियन फार्मर। आज मैं आपके लिए एक नया विषय लेके आया हूं, सल्फर। खेती में सल्फर का उपयोग कैसे करें। वैसे मैं अभी फसल बाई फसल बता रहा था आपको, पर ये सोचने के बाद मुझे समझ में आया कि अगर आपको न्यूट्रिशन की जानकारी अच्छी होगी तो आप किसी भी फसल में इनका उपयोग करके और एक अच्छा उत्पादन ले सकेंगे। तो ये सल्फर है। सल्फर खेती में जितना फास्फोरस जरूरी होता है, खेती में उतना ही ज़्यादा सल्फर जरूरी होता है। क्या है कि हम लोगों ने तीन चीज़ें, किसानों के दिमाग में तीन चीज़ें रटी रहती होती हैं, NPK, नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटास। जितनी ज़रूरत इनकी होती है उतने ही जरूरत खेती में सल्फर की आवश्यकता होती है। सल्फर एक मीडिएटर की भूमिका निभाता है, बीच की कड़ी होता है। सल्फर जितना फास्फोरस चाहिए उतना ही सल्फर चाहिए, पर मतलब ऐसा नहीं चाहिए कि जितनी मात्रा में फास्फोरस चाहिए उतनी मात्रा में सल्फर चाहिए, ऐसा बिल्कुल नहीं है। ये चाहिए पौधे को, पर कम मात्रा में चाहिए, लेकिन चाहिए इसे ये लगातार। क्या है कि किसान क्या करते हैं कि DAP डाल दी, यूरिया डाल दी। ज़्यादातर बुंदेलखंड में तो लोग अभी पोटास का भी उपयोग नहीं कर पाते हैं। आपने देखा होगा कि जितनी भी चीज़ें आती हैं उसमें सल्फर होता है, जैसे कैल्शियम सल्फेट, मैग्नीशियम सल्फेट, ये चीज़ें आपने ऐसे देखी होगी। तो जिन जिन खादों में सल्फर का उपयोग होता है वो इसलिए होता है कि लोग सल्फर का प्रयोग नहीं जानते। ये बहुत काम की चीज़ है। इसका ये चीज़ें मैंने लिखी हैं कि ये कितने काम करता है, और भी बहुत सारे काम करता है, पर इतने काम अगर आप जान लेंगे तो ये आपके लिए पर्याप्त होगा। धीरे धीरे आप सीखते चले जाएंगे और जानते चले जाएंगे। तो शुरुआत करते हैं कि ये कितने काम करता है और कैसे काम करता है। इसका pH जो होता है एसिटिक होता है। ये जितना फ़ायदा करता है इसकी अधिकता पौधे को थोड़ा बहुत नुकसान भी करती है। अगर बहुत ज़्यादा मात्रा में हो जाएगा तो ज़्यादा नुकसान करेगा, तो इसे ज़्यादा मात्रा में नहीं देना होता है। बहुत सारा सल्फर आप पौधे को नहीं देंगे, आप थोड़ा थोड़ा करके देंगे। जैसे आपका एक एकड़ का खेत है, ज़्यादातर ये इसके देने का जो सबसे अच्छा तरीका होता है वो होता है अगर आप इसको पानी में मिला के दें। जैसे जो पानी चल रहा होता है तो किसी ड्रम में घोल के दें या ड्रिप में दें, तो ये बहुत हल्की मात्रा में बहुत ज़्यादा काम करता है। क्योंकि सल्फर पौधा तभी उठाता है ये जब पानी होता है। अगर वो पानी को उठा रहा है तो पानी के साथ वो सल्फर को उठा पाएगा, वरना वो सल्फर को नहीं ले पाएगा। अगर आपके खेत में नमी होगी और सल्फर की कमी हो गई पौधे में, तो वो सल्फर को नहीं उठाएगा। उसके लिए आपको पानी छोड़ना पड़ेगा, पानी के साथ सल्फर देना पड़ेगा। आप यूरिया, DAP, पोटास में मिला के बुरक के ऐसे फेंक सकते हैं। आप इसका स्प्रे भी कर सकते हैं, 1 लीटर में 2 ग्राम या 3 ग्राम पर लीटर की मात्रा से पानी छिड़काव भी इसका किया जा सकता है पत्तों पे। उससे भी ये पत्तों के द्वारा भी ले लेता है। पर अगर आप इसको मिट्टी में डालें पानी के साथ, ड्रिप के साथ या सिंचाई के साथ पानी में बहाएं, तो ये ज़्यादा बेहतर काम करेगा। अगर बाई चांस, ये बात मैं पहले ही बता दूं कि अगर सल्फर की मात्रा ज़्यादा हो जाती है तो भी आप कोई दिक्कत नहीं होती है, एक सादा पानी दे दीजिए। वैसे न्यूट्रिशन जब भी दें तो एक पानी छोड़ के एक पानी में देते चले जाएं। जैसे पौधे में स्वाभाविक होता है, हम 8 दिन, 7 दिन, 10 दिन, 5 दिन, जहाँ जैसी मिट्टी, जहाँ जैसी सॉइल होती है वैसा पानी देते हैं। तो एक पानी आप हमेशा सादा दीजिए और एक पानी में न्यूट्रिशन पौधे को उपलब्ध कराइए। ऐसा क्रम बनाएंगे तो जो इनकी कभी कभी अधिकता हो जाती है, जैसे नहीं समझ में आया कोई चीज़ ज़्यादा हो गई, तो जब आप सादा पानी देंगे तो पौधा अपने आप कवर कर लेता है, वो फिर बैलेंस हो जाता है। तो अधिकता उतनी परेशान नहीं करती जितनी कमी। सल्फर की जब कमी हो जाती है कई बार तो ऐसा होता है कि पौधा ऊपर से धंसने लगता है। जैसे मैंने इसमें एक जगह लिखा है कि सल्फर डाईबैक जैसे लक्षण पौधे में पैदा कर देता है। क्या होता है कि सल्फर जब हम पहचान करते हैं, कैसे पता चले कि सल्फर की कमी है,
सल्फर की कमी और नाइट्रोजन की कमी लगभग एक जैसी दिखती है। ये पौधे की पत्तियाँ पीली पीली होने लगती हैं, तो ये सल्फर की कमी होती है। पर इसमें अंतर होता है, नाइट्रोजन की जब कमी होती है तो पत्तियाँ नीचे से पीली होती हैं, पुरानी वाली पत्तियाँ पीली होती हैं, और जब सल्फर की कमी होती है तो ऊपर की जो नई पत्तियाँ होती हैं पौधे की वो पीली होती हैं। पहले पत्तियाँ हल्की ग्रीन कलर की, हल्की हरे कलर की होंगी, धानी कलर की होगी, हल्का पीलापन आएगा, वो चमकीली होती चली जाएंगी, धीरे धीरे उनका पीलापन बढ़ता चला जाएगा, नीचे पत्तियाँ हरी बनी रहेंगी और ऊपर की पत्तियाँ पीली हो जाएंगी। हो सकता है ये पौधे की किसी एकाध शाखा में दिखाई दे, दो तीन शाखा में दिखाई दे, हो सकता है पूरे पौधे में दिखाई दे, नीचे पौधा हरा बने रहेगा और ऊपर की पत्तियाँ पीली 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 होती चली जाएंगी। और जब इसकी ज़्यादा कमी होती है तो जानते हैं क्या होता है, फिर ये डाईबैक का रूप ले लेता है, ऊपर से इसकी कोप बिल्कुल जल जाएगी, नई वाली जो कोप होगी वो जल जाएगी और पौधा नीचे की तरफ धंसता चला जाएगा और मर जाएगा। और इसकी कमी हर फसल में हो सकती है, गेहूं चना मटर से लेके आलू लहसुन प्याज मिर्च टमाटर एगन बैगन, बड़े बड़े पौधों में भी, आम अमरूद सेब अनार अंगूर, किसी भी पौधे में सल्फर की कमी पौधे को समूल नष्ट करने के लिए पर्याप्त होती है। एक बात बार अगर DAP यूरिया पोटाश की कमी हो गई तो पौधा ग्रो नहीं करेगा, चलेगा नहीं, उत्पादन नहीं देगा। लेकिन अगर सल्फर की कमी हो गई तो पौधा मर जाएगा, सूख जाएगा। इसलिए मेरा मानना है कि जितनी यूरिया DAP पोटाश नाइट्रोजन NPK की कमी होती है उससे ज़्यादा ज़रूरत पौधे को सल्फर होता है। इसलिए NPK ना कह के आप SNPK कहिए, जो ज़्यादा बेहतर होगा, सल्फर को साथ में जोड़िए आप। तो ये एक बात हो गई जो मैंने बताया कि इतना नुकसान, इतनी इसकी कमी आपके पौधे को पूरा नष्ट करने के लिए पर्याप्त होती है। और इसको देना ऐसे चाहिए कि आप हल्का हल्का करके पानी में दें, बहुत ज़्यादा नहीं। अगर आप सिंचाई करते हैं तो एक एकड़ में 1 किलो 1.5 किलो सल्फर अगर आप पानी के साथ घोल के देते जाएंगे, एक पानी के बाद एक, तब भी आपके पौधे को पर्याप्त हो जाएगा, ये काम करेगा। ये मिट्टी के pH को कम करता है, क्षार को कम करता है, मतलब pH को नीचे की तरफ लाता है। अगर आपका pH बढ़ा हुआ होगा तो ये कम करेगा। सल्फर का एक और फायदा होता है, ये मिट्टी को भुरभुरा बनाता है। जैसे मिट्टी हार्ड होती है, सॉइल होती है, ज़्यादातर काली जो मिट्टी होती है जिसे काबर बोलते हैं हम लोग, तो वो कठोर होती है, जैसे मेरे यहाँ की मिट्टी है, इसमें अगर आप सल्फर का उपयोग करेंगे तो ये भुरभुरी बनेगी। एक काम जो और करता है, जैसे हमारे पौधे को ढेर सारे एंजाइम, प्रोटीन्स, कार्बन और एमिनो एसिड की ज़रूरत होती है। एक तो सल्फर में भी बहुत सारे एमिनो एसिड होते हैं, पर ये पौधे को उनको अपटेक कराता है, मतलब पौधे को उपलब्ध कराने का काम करता है, एंजाइम को चालू रखता है, क्लोरोफिल बनाने में पौधे में बहुत अच्छी मदद करता है। जो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है, पौधा जो हरा भरा होता है, जैसे मैंने बताया कि सल्फर की कमी, पत्ता पीला हुआ मतलब उसमें क्लोरोफिल की कमी है, हरित कण की कमी हो गई, तो वो भोजन नहीं बनाएगा। इसकी कमी से पौधा भोजन बनाना बंद कर देता है, पौधा 30% नीचे से लेता है, जड़ों से लेता है, 70% वातावरण से लेता है। तो जो वातावरण से जो भोजन लेता है, अगर आप नीचे से भी कम कर देते हैं तो पौधा ऊपर से ले लेता है, प्रकृति में नाइट्रोजन फास्फोरस पोटाश इस वातावरण में भरा होता है, ऊपर से ये पानी भी पौधा खींचता है। तो इससे क्या होता है कि अगर सल्फर की कमी हो गई तो ये ऊपर से भोजन लेना कम कर देता है, वो क्लोरोफिल बनाना कम कर देगा, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया कम हो जाएगी, तब भी आपका पौधा कमज़ोर पड़ जाएगा। इसलिए ये इस काम को बहुत अच्छी से करता है, इसलिए भी इसकी आवश्यकता होती है। साथ साथ ये किसी भी फसल में, दाना जैसे लाही है, तिलहनी फसलों में ये बहुत अच्छा काम करता है, तिलहनी फसल के दाने को बढ़ाएगा, उसमें तेल को बढ़ा देगा। साथ साथ ये बीज दाने को बढ़ाने में मदद करेगा, जैसे किसी पौधे में जब उसका तेल बढ़ेगा, ऐसा कोई भी बीज नहीं होता, सीड नहीं होता जिसमें तेल ना हो, प्रकृति के सारे सीडों में तेल होता है, किसी में मात्रा कम होती है, किसी में ज़्यादा होती है, तो वसा को बढ़ाता है। इसलिए पौधे में, दाने में आपके उसमें चमक होगी, खूबसूरत होगा, दाना बढ़ेगा तो फल की साइज बढ़ेगी। किसी भी फल में
बसाव प्रोटीन्स के लेवल को बढ़ाने के लिए सल्फर की बहुत ज़्यादा आवश्यकता होती है। साथ ही सल्फर एक अच्छा फर्टिलाइजर है, इसके साथ साथ ये फंगीसाइड का भी काम करता है। दूसरा, ये कीटनाशक भी होता है। जैसे हम जब दवा डालते हैं अक्सर काम नहीं करती है, कीड़े नहीं मरते हैं। सघन पेड़ से ज़्यादातर आज की जो सबसे बड़ी किसान की समस्याएं हैं, खासकर वेजिटेबल वाले सब्जी वाले किसानों की, वो है सघन पेस्ट, महीन कीड़े जो आँखों से भी नहीं दिखते हो, कुछ बहुत महीन होते हैं, जैसे थ्रिप्स है, हरा मच्छर है, सफ़ेद मच्छर है, मकड़ी है, पीली मकड़ी, लाल मकड़ी, ये ढेर सारे महीन कीड़े होते हैं। थ्रिप्स इनको ख़त्म करने में बहुत ज़्यादा कारगर होता है। ये जो सल्फर इनके पेट में जाता है तो इनकी जो दवा को सहन करने की क्षमता होती है, कीड़ों की रोग प्रतिरोधक क्षमता को ये कम कर देता है, जिससे आपकी दवा अच्छे से काम भी कर पाती है। तो ये एक मकड़ी नाशक भी होता है। जैसे मकड़ियाँ, आप सल्फर नीचे से डालेंगे, ऊपर से अगर आपने पौधे में अगर सल्फर की कमी नहीं है तो कोई भी मकड़ी नाशक काम कर जाएगा, क्योंकि उसमें रोग प्रतिरोधक क्षमता कम होगी। इसकी वजह से ये एक अच्छा फंगीसाइड भी है। अगर आपकी मिट्टी में सल्फर की कमी नहीं है तो पौधों में ज़्यादातर जो किसानों की प्रॉब्लम होती है फंगस अटैक, ये बहुत बड़ा, आप देख रहे हैं करोड़ों अरबों का फंगीसाइड बिक रहा है आज की तारीख में, इसकी बहुत बड़ी वजह है मिट्टी में सल्फर और कॉपर की कमी होना। अगर आपकी मिट्टी में सल्फर की कमी नहीं है और कॉपर की कमी नहीं है तो ये फंगीसाइड, ये फंगस से संबंधित रोग नहीं लगेंगे, और ये फंगीसाइड जो बहुत ज़्यादा मात्रा में आपको यूज करना पड़ता है ये आपको नहीं लगेगा। जैसे पिछले कई वीडियो में मैंने बताया कि फंगीसाइड की आवश्यकता ही नहीं होती फसल को, दरअसल ये हमारी ना जानकारी की कमी की वजह से होता है। ये कंपनियां क्या करती है, किसान के दिमाग में डालती हैं ढेर सारी चीज़ें, ये डालो ये डालो, कोई ये आपको नहीं बताएगा कि ये इसकी कमी की वजह से है। ये कोई बीमारी नहीं है फंगस अंगस, ये इनकी न्यूट्रिशन की कमी की वजह से ये होता है। अगर आपके पौधे में सल्फर की कमी है, कॉपर की कमी नहीं है तो मैं गारंटी प्रमाण के साथ कह सकता हूँ कि इसमें कोई भी फंगस नहीं लगेगा आपका। सल्फर की कमी नहीं है तो आपके पौधे में झुलसा नहीं आएगा कभी, उसको सर्दियाँ छू नहीं जाएंगी, ये वातावरण से प्रकृति से भी पौधा लड़ लेगा। ये एक दूसरे का कॉम्प्लिकेशन होता है, एक के साथ दूसरा जुड़ा होता है, ये अकेला नहीं काम करता है। सल्फर मैग्नीशियम को आगे ले जाएगा, जैसे मैग्नीशियम सल्फेट, सल्फर कैल्शियम का भी वाहक होता है, सल्फर बोरान का भी वाहक होता है, तो ये बहुत सारे उसमें काम करता है। एक के साथ साथ एक गॉड गिफ्टेड होता है इसमें, सल्फर अगर आपकी खेत में है तो चूहे कम लगेंगे, उसकी जो खुशबू गंध होती है उससे चूहा भागता है। साथ में ये नुकीले दांतों वाले जैसे चूहा वगैरह है तो उनके दांतों को खट्टा करता है, इसीलिए अगर आपके खेत में सल्फर की मात्रा है, पौधे में कमी नहीं है, तो ये उसको भी दूर करेगा और भगाएगा। अब इसके बारे में जानते हैं, इसकी उपलब्धता, ये मिलता कहाँ है। देखिए, दिमाग से निकाल लीजिए, जो लोग आर्गेनिक खेती करते हैं सल्फर उनके लिए भी उपयोगी होता है। ये आर्गेनिक है, ये कोई रासायनिक केमिकल्स नहीं है, इसलिए आप आर्गेनिक खेती में भी इसका उपयोग कर सकते हैं अच्छे से। इसका सबसे बढ़िया सोर्स होता है, जैसे आर्गेनिक से अगर आपको सल्फर चाहिए तो लहसुन प्याज, अगर लहसुन और प्याज की खेती है, जितनी भी कंद वाली फसलें हैं उनमें अगर आप सल्फर का उपयोग करते हैं, लहसुन प्याज में वैसे ही बहुत ज़्यादा पाया जाता है। अगर आपकी मिट्टी में सल्फर की कमी है तो आपका लहसुन और प्याज जो है वो ग्रोथ नहीं करेगा, बड़ा नहीं होगा। लहसुन प्याज में अगर आप सल्फर का उपयोग करेंगे तो आपका प्याज 200-250 ग्राम की साइज तक का मैंने देखा कि प्याज की साइज बढ़ती है। कैल्शियम के साथ आप प्याज में सल्फर का उपयोग कर दीजिएगा, प्याज का साइज आधा किलो हो जाएगा, पौधा आप देखेंगे आपकी बुद्धि काम नहीं करेगी कि इतना हेल्दी है भी पौधा भी प्याज और लहसुन का होता है, जो मैंने देखा है। मैं कभी आपको बताऊंगा और प्रयोग करके भी दिखाऊंगा कि देखिए कितना बड़ा होता है, ये कितना बड़ा काम करता है। ये पहले क्या होता था, गोबर की खादें पड़ती थी, आजकल गोबर की खाद कम होती है। गोबर की खाद अगर आप डालते हैं तो उसमें सल्फर की मात्रा ऑर्गेनिक रूप में बनी रहती है। साथ ही जिप्सम, जैसे अगर खेत में ज़्यादा कमी है तो आप बेड बनाते समय या साधारण में जिप्सम डालेंगे तो जिप्सम में सल्फर होता है, कैल्शियम सल्फेट होता है, उसमें जिप्सम में कैल्शियम भी होता है। तो अगर आप साधारण मिट्टी में जुताई उताई के समय अगर जिप्सम डाल देते हैं तो ये सल्फर की कमी पूरी क्या ही रहेगा। लेकिन क्या होता है कि एक बार अगर आपके पौधे को पानी की कमी हो गई
तो फिर ये सल्फर उठाना कम कर देता है पौधा। कई बार हम पानी को कंटिन्यू देते रहते हैं और उसके बाद फिर कई बार ऐसा लग जाता है कि होच्चा लग गया, सूख पानी नहीं दे पाए, तो ये उठाना कम कर देता है, इसलिए उसमें सल्फर की डिफिशेंसी हो जाती है, कम हो जाता है सल्फर। तो इसलिए अगर आप पानी के साथ इसको थोड़ा थोड़ा देते रहें, या कभी आप कोई दवा डाल रहे हैं तो उसमें फंगीसाइड के साथ स्प्रे मिला दीजिए, या कोई आप न्यूट्रिशन उसको दे रहे हैं उसमें थोड़ा सा सल्फर मिला देंगे तो भी ये पौधा ले लेगा। इसको बहुत ज़्यादा नहीं चाहिए, लेकिन चाहिए लगातार कंटिन्यू हर बार। जैसे मैंने बताया कि एक पानी को छोड़ के अगर एक बार आप सल्फर देते रहेंगे तो पौधा लेता रहेगा, क्योंकि सल्फर की एक खासियत होती है। मैंने एक जो छोटा सा चित्र बनाया, जैसे ये मान लीजिए ये एक शाखा है, सल्फर पानी के साथ जाता है, अगर सल्फर यहाँ से यहाँ तक आया, पानी की सप्लाई रुक गई, सल्फर रुक जाएगा, उसके बाद आप पानी देंगे, पानी पौधा फिर ऊपर अपटेक करेगा पर सल्फर ऊपर नहीं जाएगा। सल्फर अपने आप नहीं चलता, अन्य न्यूट्रिशन के साथ सल्फर नहीं चलता। सल्फर जब ही चलेगा जब पौधा नीचे से उठाएगा, जैसे अन्य चीज़ें होती हैं, जैसे पोटास यहाँ है, अगर आप पानी देंगे वो पानी उठाएगा तो साथ में पोटास को ले जाएगा, फास्फोरस को ले जाएगा, बोरोन को ले जाएगा, अन्य तत्वों को ले जाएगा, लेकिन अगर सल्फर है तो सल्फर को नहीं ले जा पाएगा। जो एंजाइम्स होते हैं वो सल्फर को अलग से नहीं उठा पाते हैं। तो सल्फर पानी के साथ चलता है, तो जब आप इसको पानी के साथ देते रहेंगे तो सल्फर पानी के साथ पौधे में नीचे से ऊपर, ऊपर से नीचे आता जाता रहेगा, और जब इसकी कंटिन्यू क्रिया बनी रहेगी तो जो बाकी न्यूट्रिशन जो हैं, कैल्शियम, बोरान, मैग्नीशियम, सल्फर, आयरन, कॉपर, इन सब का पौधे में एक बढ़िया बैलेंस बना के रखेगा। तो इसलिए जब भी कोई खाद डालें तो इसकी कमी ना होने दें, इसकी अधिकता आपको उतना नुकसान नहीं पहुंचाएगी जितना इसकी कमी पहुंचा देगी। तो मैंने बताया कि ये छोटे पौधों से लेकर बड़े पौधों में, मतलब एग्रीकल्चर में ऐसी कोई क्रॉप नहीं है जिसे सल्फर की ज़रूरत ना हो। और मैंने देखा कि खासकर बुंदेलखंड का किसान तो इसका उपयोग करना नहीं जानता, 0.1% किसान खेती में एक आध बार सल्फर दे देते हैं। मेरा मानना है, मेरा अपना अनुभव है कि मैं इसको हमेशा कंटिन्यू देता हूँ, जिसकी वजह से आपकी दवाएँ और पौधे की रोग प्रतिरोधक क्षमता अच्छी खासी बनी रहती है और पौधा हेल्दी होता है। तो ये जानकारी आपको कैसी लगी मुझे ज़रूर बताइए, वीडियो को लाइक और शेयर करिए, और इसके बारे में और ढेर सारा बहुत बड़ा डिटेल है जो आप करते जाएंगे, सीखते जाएंगे, और ज़्यादा जानना चाहते हो तो बताइए, अगले वीडियो में और बड़ी इसकी डिटेल दे दूंगा, इसकी कम्युनिकेशन के बारे में बताऊँगा। फिलहाल अगला वीडियो इन्हीं न्यूट्रिशन में से किसी एक में देने वाला हूँ, कॉपर का दे सकता हूँ, हुमे केसेट का, सीवेट का, किसी का भी। तो अभी बात न्यूट्रिशन पे होगी, उसके बाद किसी फसल पर स्पेशली होगी, या आपको कोई फसल अर्जेंटली में किसी को जानना हो जिस पे ज़्यादा कमेंट आते हैं, फिर उस किसी पे बात करता हूँ। चलते हैं, विदा लीजिए, नमस्कार।